तो यार हमने पिछली बार यहाँ पे देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने अच्छे से डांट खाई थी उसके फादर इन लॉ से, और यहाँ पे उसकी बीबी ने आके बचा लिया था और उसको सजेस्ट करने लगी थी कि तुम यहाँ पे जाके कोई जॉब ढूंढो, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे पापा का मुंह यहाँ पे बंद कर सकते हो कि तुम्हारे पास जॉब भी है, फिर देखते अब आगे क्या होगा। तो यहाँ पे जो उसकी बीबी उसको कहती है कि जाओ जाके जॉब ढूंढो और मैं यहाँ से चली जाऊँ तो भूल मत जाना कि तुमको यहाँ पे जॉब ढूंढने जाना है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है रिप्लाई देते हुए कहता है ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर जॉब करना नहीं चाहता, बट मैंने यहाँ पे पहले कभी जॉब की नहीं है। फिर यहाँ पे जो उसकी बीबी होती है कहती है कि क्या यहाँ पे तुमको भूलने की बीमारी, जो गलती से तुम मेरे पापा तुम्हारी कंपनी में पहुँच गए तो यहाँ पे तुमको काम करने का नहीं देंगे, इसलिए जाओ फटाफट से यहाँ पे जॉब ढूंढो। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन भी करना है और कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे पैसे भी चाहिए और मुझे यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं पैसे बनाऊँ। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे बाहर जाके कुछ देखूंगा और यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ दूंगा। और फिर उसकी बीबी कहती है क्या तू सच में यहाँ पे ढूंढ दोगे। फिर यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर वो कहता है क्या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग को देखता है और कहता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, मुझे लगता है इस बिल्डिंग में कुछ तो कम मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। फिर यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में एक टेम्पलेट आता है, उसमें लिखा होता है कि हायरिंग बॉडीगार्ड विथ हाई सैलरी। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे भी यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। फिर यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है और अपना मेन कैरेक्टर जैसे बिल्डिंग के अंदर जाता है वहाँ का नज़ारा देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं गलती से कोई दूसरी जगह पे आ गया, मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा हेवन है। फिर यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम भी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए हो। तो यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम कौन है, तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम पेंग जून है और मैं यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करने के लिए अप्लाई करने आया हूँ, क्या तुम भी यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करने के लिए अप्लाई करने आए हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं भी उसके काम से आया हूँ। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि सेटअप। फिर यहाँ पे एक बंदा और एक बंदी को दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि ये तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर एक बंदा बोलता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये बॉस की असिस्टेंट है कंपनी में। तो फिर जो लड़की होती है सबको ग्रीटिंग करती है और कहती है कि मेरा नाम सू रियान है और मैं यहाँ पे मिस लिन की असिस्टेंट हूँ और मैं आज आप सबका इंटरव्यू लेने वाली हूँ और जिसमें से जो बंदा सिलेक्ट होगा वो मिस लिन का यहाँ पे पर्सनल बॉडीगार्ड बनने वाला है। फिर यहाँ पे पेंग सू होता है, बोलता है कि जिसने भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दी लिन शुआंग का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने वाला है। फिर जो अपना मेन कैरेक्टर वो कहता है कितना ज़्यादा बोरिंग है यहाँ पे, मुझे तो बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर वो खत्म होता है। तो यार आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।